बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, नोमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे चैनल का नाम है जनाब दिलजर नोमी भाई ऑफिशियल। तो इस बारे में हम आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल जो गिरफ्त चल रहा है उसकी नेक्स्ट एपिसोड 33 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी कल, और उसके ऊपर रिव्यू जो है हम आज दे रहे हैं कि टीजर में क्या कुछ होने वाला है। और ये ड्रामा नहायत ही ज़बरदस्त मोड़ के ऊपर आ चुका है, और यही वजह है कि लोग इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और इसके जो व्यूज़ हैं वो भी आ रहे हैं जनाब मिलियन में। और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अब्दुल्ला कुदवानी साहब को जा रहा है जनाब। हम दोनों हाथों से उनको सलूट करते हैं कि वो इस किस्म के ड्रामे पेश कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज कहानी छुपी हुई होती है। और इसमें अब रूही ने ये ठान ली है कि वो शादी करेगी और शादी के बाद फिर वो दलेर हो जाएगी, हर बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेगी, कॉन्फिडेंस होगा। और सबसे बड़ी बला जो उसकी माँ उसके सर के ऊपर मंडला रही है वो भी उसको कुछ नहीं बोल पाएगी। और यही सारा कुछ रूही जनाब करने जा रही है। अब वो शादी करेगी मूसा से, उससे तलाक लेगी और फिर मुराद का फिर पीछा करेगी भरपूर तरीके से। तो दोस्तों, रूही की शादी हो जाएगी एक किस्त में और फिर वो अपनी जो सास है उसको भी भरपूर तरीके से सुनाएगी, और मूसा जो है वो तो वैसे ही रन मरीद होगा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा और आखिरकार उसको तलाक दे देगा। और फिर रूही जो है वो मुराद के पीछे भरपूर तरीके से सरपट दौड़ेगी। ये आज का हमारा रिव्यू है, और हम आपको बताते चलें कि हमारे चैनल का ये असूल चला रहा है कि आप इसको सब्सक्राइब ना भी करें, खाली कमेंट कर दें तो भी हमारा चैनल जवाब में आपको सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आजमाइश जो है वो शर्त है जनाब। ये निशा है जो कि मुराद को कह रही है कि उसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, रूही की वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मुराद का कहना ये है कि उनके घर के मामलात में हमें दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। तो ये जनाब रूही जो है ये पहुंच चुकी है शादी के बाद उनके घर में, और वो बेचारे इसको हैंड फैन से हवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि रूही ये तेरी किस्मत है भाई, क्योंकि एसी तो मिले नहीं, हैंड फैन मिल गया।